हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? होप्स तो आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। आज है फ्राइडे और आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं बहुत देर से उठी हूँ और 6:15 बजे उठी हूँ और इस समय हो रहा है 6:35। किचन में आते ही सबसे पहले मैंने बच्चों का दूध गर्म करने के लिए रख दिया और प्याज टमाटर की मैंने चटनी बनाने के लिए रख दिया। वो फटाफट बन जाती है और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। बस चॉपर में चॉप करके उसे एक साइड में चढ़ा दिया और एक साइड में मैंने दूध रख दिया। यहाँ मैंने लिया है मल्टीग्रेन आटा, जिसमें मैंने अदरक डाली है, कसूरी मेथी डाली है और फ्रेश करी लीव डाली है, और थोड़ा सा अजवाइन डालूंगी, मिर्च डालूंगी, हल्का सा गरम मसाला डालूंगी और मोइन के लिए थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। इसको अच्छे से मिलाते हुए और फ्रेंड्स नमक भी, और अच्छे से मिलाते हुए थोड़ा थोड़ा उसे पानी डालते हुए अच्छे से गूंद लूंगी। और प्याज मैंने डाला है अच्छा चॉप किया हुआ, 2 प्याज थे बड़े, वो चॉप करके मैंने डाला है। तो इसे अच्छे से गूंद लेते हैं, ना ये बहुत सख्त रहेगा और ना ही बहुत ज़्यादा मुलायम रहेगा, मीडियम रहेगा ये आटा आपका। मैंने इसे गूंद दिया है। जल्दी में मुझे कुछ समझ में नहीं आया और क्या बनाएं, तो मैंने सोचा चलो यही बनाते हैं। वैसे ये प्याज के पराठे मैं दूसरी टाइप के बनाती हूँ, दूसरा तरीका है मेरा बनाने का। मैं पहले फिलिंग तैयार करती हूँ, फिर आटे में उसे फिल करके तब बनाती हूँ। ये सब प्रोसेस में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, तो मैंने सोचा चलो इसी तरीके से आटे में ही प्याज को गूँध के तब बनाते हैं। इस तरीके का बनाना मैंने एक बहुत फेमस ब्लॉगर हैं, रक्षा की रसोई करके उनका चैनल है और मैं उन्हें फॉलो भी करती हूँ, देखती भी हूँ उनके सारी रेसिपी, तो उन्हीं से मैंने सीखी थी। तो एकदम माइंड में आया कि चलो इसी तरीके से बनाकर देखते हैं। वैसे वाले फिल करके तो बच्चों को बहुत पसंद है और ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। पता नहीं बच्चों कैसे लगेंगे, लेकिन वो खा लेंगे। कभी वो बहुत ज़्यादा वो नहीं करते हैं कि नहीं ये नहीं पसंद है, वो नहीं पसंद है, मैं जो देती हूँ वो खा लेती हैं। और बस यहाँ पराठे बन रहे हैं और एक एक करके मैं इन्हें पंखे की हवा थोड़ा सा लगा दूँ, थोड़ा ठंडे हो जाएं, क्योंकि टिफ़िन में बंद रहते हैं तो फिर थोड़ा सा वो पराठे गरम गरम बंद कर देंगे तो सौगी हो जाएंगे और थोड़ा सा उसमें पानी आ जाएगा। तो इससे बेहतर है कि उन्हें थोड़ा सा हवा लगा के ठंडा करके तब उसे रखें। तो आप बताइए फ्रेंड्स, कभी आपके साथ इस तरीके की सिचुएशन आई है? मेरे साथ तो ये जल्दी कभी हुआ नहीं है, लेकिन कभी कभार हो जाता है। तो इस तरीके की छोटी मोटी रेसिपी बच्चों को बिना सब्जी के दे देते हैं, तो चटनी के साथ बनाया है और ये प्याज के पराठे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो बच्चे भी मेरे कुछ कहते नहीं, आराम से खा लेते हैं। तो फटाफट ये मैंने बनाया है। और फ्रेंड्स, आज मैंने मीशो से कुछ सामान मंगाया था, मतलब आज क्या, काफ़ी टाइम पहले, मैंने हफ्ते भर हो गए मैंने ऑर्डर किया था, तो आज सामान वो आ गया है और मैं आज उसका आपको थोड़ी देर बाद, थोड़ा काम वाम कर लूँ, फ्री हो जाऊँगी, तब मैं आपको उसका हॉल वीडियो दिखाऊँगी, पूरा दिखाऊँगी मैंने क्या क्या मंगाया है, आपके साथ सारा कुछ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, यही आज का छोटा सा मॉर्निंग रूटीन था और आज थोड़ा मुझे काम भी है तो आज कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं आपको मीशो का हॉल वीडियो ज़रूर दिखाऊँगी। प्लीज़ कंटिन्यू। अगेन वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आज तो बहुत गड़बड़ हो गई, बहुत जल्दी जल्दी मॉर्निंग में सारे काम निपटाने पड़े। खैर, जल्दी हो गई और मुझे एक्चुअली जाना था बाहर, और कल मुझे एक्चुअली कानपुर निकलना है तो उसी के लिए मैं बाहर गई थी। तो बाहर का आज काम निपटाया और अभी शाम हो गई है, बज गए हैं 6:30। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ अपना मीशो का थोड़ा सा शेयर करके ब्लॉग को एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने मीशो से 1 हफ्ते लगाया था ऑर्डर को, तो 1 हफ्ते हो गए उसके बाद ही आए, काफ़ी उससे ज़्यादा दिन हो गए एक्चुअली, क्योंकि यहाँ थोड़ा डिलीवरी लेट होती है लेकिन आ जाता है सामान। मेरा ऑयल कंटेनर टूट गया था, उसका हैंडल टूट गया था और उसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी, तो मैंने मीशो से ये ऑयल कंटेनर मंगाया है। ये 2 हैं और इसके प्राइस मैं आपको शेयर और कोड में शेयर कर दूंगी। और इसको मैंने निकाल के चेक भी कर लिया है, मतलब पानी डाल के अच्छे से चेक कर लिया है कि कहीं लीक वगैरह तो नहीं है।
एक्चुअली जो भी सामान आता है तो मैं एक बार उसको तुरंत खोल के तुरंत चेक कर लेती हूँ कि कभी कभी सामान गड़बड़ निकल जाता है, तो मुझे इसकी क्वालिटी सही लगी और ये भी सही है, अच्छा है। तो ये मैं दो हैं, ये शायद 500 के थे, एक्चुअल जो भी प्राइस सही प्राइस होगा मैं आपको उसमें मेंशन कर दूंगी। तो ये भी ऐसे ही है, सेम है दोनों। ये ऐसे लग जाएगा, इसमें क्वांटिटी 1 लीटर की है, उन्होंने 1 लीटर मेंशन कर रखा था, तो 1 लीटर की है और 1 लीटर इसमें आराम से आ जाता है। तो ये बहुत जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि और एक था तो मैंने सोचा चलो दो मंगा लेते हैं, एक मस्टर्ड ऑयल के लिए हो जाएगा और एक कभी कभी मैं रिफाइंड भी मंगाती हूँ थोड़ा बहुत, तो एक उसके लिए हो जाएगा, तो इसलिए मैंने दो का सेट ऑर्डर कर लिया था। एंड सेकेंड ये है फ्रेंड्स, ये मैंने देखे थे मीशो पे और अमेजोन पे भी हैं, लेकिन मीशो पे थोड़ा सस्ते मिल रहे थे तो मैंने मीशो से ऑर्डर किया। और इसकी क्वालिटी फ्रेंड्स लेकिन अच्छी है, सस्ते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी क्वालिटी गड़बड़ हो, तो इसकी क्वालिटी अच्छी है। ये काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबल मतलब प्लास्टिक है, कोई ये हार्ड प्लास्टिक नहीं है जो टूट जाएगा। सो और इसके अंदर इस तरीके की जाली लगी हुई है, जो मुझे लग रहा है सब्जी वगैरह अगर रखेंगे तो जो भी उसका मॉइस्चर होगा वो अंदर रह जाएगा, वो ख़राब होने से बचेंगी हमारी सब्जी। तो ये इस तरीके के मतलब 4 बॉक्सेस, तो दो इसमें हैं, मैंने एक्चुअली चेक किया था तो चेक करके तुरंत मुझे काम से जाना पड़ा तो तुरंत मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो अभी मैं रखने जा रही थी तो मैंने सोचा चलो आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। तो इसमें दो हैं बॉक्स, तो ये 4 का सेट था और जो भी रेट होगा मैं मेंशन कर दूंगी, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे लगे इसलिए क्योंकि एक्चुअली मैं पूरी प्रिपरेशन करके एक रात पहले ही रख लेती हूँ, तो उसके लिए ये अच्छा है। इसमें हरी धनिया रख दो या अपनी सब्जियां हैं कट करके रख दो, फ्रूट्स रख दो, तो ये उसके लिए अच्छा है। और मुझे मटेरियल इसका काफ़ी अच्छा लगा, प्लास्टिक काफ़ी अच्छी है इसकी। तो एक ये मंगाया था मैंने और एक ये मंगाया था स्टैंड, स्टील का है ये, इतना बड़ा साइज में है, तो ये मुझे ज़रूरत था, किचन में नीड थी इसकी, तो मैंने सोचा इसको मंगा लेते हैं। मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा चलो इसको मंगा लेते हैं। और इसमें ये इसके नीचे जो लगा होता है उसके लिए ये दिया हुआ है, तो ये मैं बाद में फिक्स करूँगी इसको, ये लग जाएंगे, प्लास्टिक का है आराम से लग जाएगा इसमें। एक ये है और ये मेरी बेटी ने मंगाया नाइट सूट, रियॉन का है ये, प्राइस तो पड़ा नहीं, प्राइस मैं आपको एक्चुअली बाद में बता दूंगी सारी चीज़ों का। तो ये उसने अपने लिए मंगवाया है, ये देखिए, ये भी अच्छा है, उसे पसंद आया था तो उसने मंगवा लिया। और इसकी स्टिचिंग भी अच्छी है और इंटरलॉकिंग है इसमें, हाँ इंटरलॉकिंग पूरी है इसमें, ब्लैक है तो आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन इसमें इंटरलॉकिंग है। तो और इसका पैंट भी अच्छा है, पैजामा वो भी अच्छा है, काफ़ी बड़ा साइज़ का है, तो क्योंकि बच्चे गर्मी में पहनते हैं ढीला ढाला रहता है तो अच्छा रहता है। तो ये मतलब ये है कि ढीला रहेगा रात में सोने में उठने में या दिन में भी पहन लो तो ये थोड़ा ढीला रहेगा तो फटने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि पहले की चीज़ों में कपड़ों में होती थी म्यानी लग के आती थी, अब किसी में म्यानी लग के आती नहीं है। तो ज़रूरी है कि अगर इस तरीके का नाइट सूट या कुछ घर में पैंट पैजामा ले रहे हैं तो थोड़ा ढीला ढाला लूज हो तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी इसकी इलास्टिक अच्छी है, उसके फिट आ रही है कमर में। सो फ्रेंड्स यही कुछ सामान मैंने मंगवाए थे मीशो से और कुछ सामान मेरे मतलब आने को है, जो आएगा मैं आपको दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करिए, मैं उसे फॉलो करूँगी। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और सो यही है आज का ब्लॉग, इसे आज यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।